हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ये हमारी एमपी जीके की सीरीज चल रही है और इसके अंतर्गत आज हमारा 9th लेक्चर है और यहाँ हम लोग बात करेंगे सॉइल इन एमपी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो सॉइल है इसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों का, आ जाइए सारे बच्चे। जैसे ही सारे आते हैं इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे और एक बहुत ही शानदार सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 9। हालांकि कुछ बातें जो आपसे बोलनी नहीं चाहिए बट बार बार बोलनी पड़ती है, क्या करें कि इस सिचुएशन में भी आपके लिए अगर हम लगातार लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ ड्यूटी बनती है, कुछ कर्तव्य बनते हैं। एटलीस्ट इन लेक्चर्स को जाके एक बार देखिए, क्योंकि कोई भी टीचर के पास जब यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स लेकर आता है तो उसका मोटिवेशन का सोर्स क्या होता है? आके आपको यहाँ पर बैठ के कुछ भी रीड करके अगर चले जाते हैं, शायद वो ज़्यादा बेहतर है या शायद कुछ और ज़्यादा बेहतर है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो एक राइट वे है पढ़ाने का वो मैं जानता हूँ और इसको आप लोगों को यहाँ पर देखना चाहिए, इसको लाइक और शेयर करना चाहिए, आपके फीडबैक इसके बारे में आने चाहिए जिससे चीज़ों को और बेहतर हम लोग यहाँ पर कर सकें। तो स्वागत है आप लोगों का, आप इसको अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। लेक्चर नंबर 9 है आपका, ये हमारी क्लास होती है एमपी जीके की और ये जो एमपी जीके की क्लास है ये डेली हम लोग लेते हैं 10 PM पर। डेली आप लोगों के लिए 10 PM पर एक क्लास होती है। इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है सर, जो पीएससी आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं इस तैयारी को यहाँ पर अंतिम लक्ष्य तक लेके जाना। हमारा एक प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस, इस प्लस पे आने के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हैं गौरव लाइव। जैसे ही आप लोग गौरव लाइव कोड का यूज करते हैं आपको 10% ऑफ देखने को मिलता है हर एक प्लस कोर्स पर। प्लस पर आपकी कंप्लीट तैयारी होती है, आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम की यहाँ पर कंप्लीट तैयारी होती है। बीच में सिर्फ हमारा एक दिन सेशन नहीं हुआ है, उसके पीछे कारण था उस दिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्लास लेने की सिचुएशन नहीं थी इसलिए। अदरवाइज कल भी हमने लेक्चर आपके लिए लिया था, आज भी लेक्चर आपको लिया है। टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको अपडेट मिल जाती है क्लास के रिगार्डिंग। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पता ही नहीं चला कब होगी, 10 बजे आके आप इस YouTube चैनल को भी देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है देखते हैं। आज का अपना जो बेटा एजेंडा है वो है आपके पास सॉइल इन मध्य प्रदेश। सॉइल को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, सॉइल इन MP, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो मृदा है इस मृदा का अध्ययन आपसे करेंगे, मध्य प्रदेश में मृदा। देखिए तो सबसे पहले एक बेसिक परिभाषा कि मृदा होती क्या है, व्हाट इज सॉइल। सॉइल के बारे में हमको पता होना चाहिए कि मृदा एक्चुअल में होती क्या है। किताबों में जो परिभाषा लिखी है वो इस तरीके से लिखी है कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जिसे आप लोग यहाँ पर कहते हैं भूपरपटी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जिसे आप लोग यहाँ पर कहते हैं भूपरपटी या जिसे हम लोग जानते हैं क्रस्ट के नाम पर, इस भूपरपटी पर जो इस भूपरपटी पर सबसे ऊपरी परत जो पाई जाती है, सबसे ऊपरी परत आपके पास जो रहती है, इस ऊपरी परत को आप लोग मृदा कहते हैं। हमारी जो अर्थ है इस अर्थ की 3 लेयर आपके पास होती हैं, इन लेयर को आप लोग जानते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के नाम से। इस अर्थ की जो अपर लेयर है जिसको आप लोग कहते हैं क्रस्ट, इस क्रस्ट का अपर मोस्ट पार्ट, जो अपर मोस्ट पार्ट आपके पास होता है यही अपर मोस्ट पार्ट आपके पास सॉइल कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है सर? तो इसमें काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यह है आपके स्टोन, पत्थर की हम लोग बात करते हैं, सैंड रेत की हम लोग बात करते हैं, कंकड़ पत्थरों से मिलकर आपके पास बनी होती है। इसमें आपको ह्यूमस देखने को मिल जाता है, जीवाश्म देखने को मिलेगा, यहाँ आपके पास वाटर प्रेजेंट होता है एंड एयर की हम लोग बात करते हैं।
इतनी सारी चीजों से मिलकर हमारी मृदा बनती है। आप इसकी परिभाषा कैसे लिखते हो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपर्पटी। इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। सर क्या है, समझिए बच्चों पार्टी, जैसे ये आपकी पृथ्वी है और आपने पृथ्वी का कभी वर्गीकरण यहाँ पर देखा हो, क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, दिस इज योर क्रस्ट, दिस इज योर मेंटल, दिस इज योर कोर। ये जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है जिसको आप लोग भूपर्पटी कहते हैं, यहाँ इसकी ऊपरी सतह, इसकी सबसे ऊपरी जो परत है, इस पे डॉट 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 डॉट, यहाँ ये जो रेतीली आपके पास पाई जाती है, जो बारीक सतह आपके पास पाई जाती है, जो बहुत झीनी आपके पास होती है, इस अपर लेयर को आप लोग सॉइल के नाम से जानते हैं, सॉइल के नाम से आप लोग जानते हैं। यह जो 1 सेंटीमीटर मोटी लेयर होती है, 1 सेंटीमीटर ये इसकी जो थिकनेस है, इसको बनने में 21 लाख ईयर लगते हैं, 21 लाख साल का समय लगता है 1 सेंटीमीटर मोटी जो परत है मृदा की, इसको बनने में। और इसीलिए आपसे बोला जाता है कि ज्यादा सॉइल इरोजन मत कीजिए, बहुत ज्यादा मृदा अपरदन मत कीजिए, नहीं तो भविष्य में संकट आपका खड़ा हो जाएगा। तो मिट्टी को कैसे परिभाषित करोगे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह भूपर्पटी, इसका सबसे ऊपरी जो परत है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल, ये मृदा कहलाती है। ये किससे मिलकर बनी होती है, इसमें कंकड़ पत्थर ह्यूमस वाटर एयर सब कुछ रहता है, बारीक कंकड़ पत्थर रहते हैं, बारीक कंकड़ पत्थर रहते हैं। सर ये कंकड़ पत्थर कहां से आते हैं, आप बोलेंगे कि कंकड़ पत्थर हमको देखने को मिलते हैं रॉक सिस्टम से, जो रॉक आपके पास होता है, जो चट्टाने आपके पास होती हैं, इन चट्टानों का आप लोग देखते हैं बेदरिंग, इन चट्टानों की होती है बेदरिंग, इनका होता है अपरदन, और इस अपरदन के परिणाम स्वरूप ये बनाती है मृदा। तो हर एक मृदा किसी ना किसी प्रकार की चट्टान से मिलकर आपके पास बनी होती है, और अगर चट्टान से मिलकर आपके पास बनी होगी तो मिट्टी की केमिकल और फिजिकल आपके पास जो यूनिट है वो भी आपको देखने को मिलेगी। इसके कुछ रासायनिक गुण होंगे, इसके कुछ भौतिक गुण होंगे, और अगर ह्यूमस है तो इसके कुछ बायो गुण भी आपको देखने को मिलेंगे। खैर ये सब बात की बातें हैं, आप ध्यान दीजिए, मिट्टी की परिभाषा आपको पता चल गई है, मिट्टी कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये आपको पता चल गया है, 1 सेंटीमीटर मोटी परत को बनने में कितना समय लगता है, इसका संगठन किससे मिलकर बना है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो सॉइल बर्ड है ना बेटा, ये एक इंग्लिश बर्ड है, इंग्लिश, और इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है आप बताएंगे, एक वर्ड होता है सोलम, सोलम एक वर्ड है और यह लैटिन लैंग्वेज का है, लैटिन भाषा का है, इसका मतलब होता है फ्लोर, इसका मतलब होता है फ्लोर, और फ्लोर को ही हम लोग कहते हैं भूमि, हिंदी भाषा में आप इसको कह देते हैं भूमि। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है क्या कि सॉइल की उत्पत्ति किससे होती है, सॉइल तो एक इंग्लिश भाषा का शब्द है, यह आया है सोलम से, सोलम एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है फ्लोर, इसका मीनिंग होता है भूमि, जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह, हम जिसको ऊपरी सतह कहते हैं भूमि। आपने देखा होगा आपके दादाजी, आपके जो पुराने लोग हैं, अगर पैर भी लग जाता है तो उसके पैर पड़ते हैं कि ये तो हमारे माँ के समान है। तो सोलम शब्द से सॉइल बना, सॉइल से मृदा बनी, मृदा की परिभाषा आपको पता चल गई है, ठीक है, ये डेफिनेशन हमको पता चल गई है कहाँ पर आपके पास उपस्थित होती है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा और जाते हैं तो जो सॉइल है, इस सॉइल के कंपोजिशन को आप लोग देख लीजिए, कंपोजिशन या जिसे आप लोग कहते हैं कि इसका जो संगठन है, यह संगठन किस किस से मिलकर आपके पास ये बनती है, किसका कितना परसेंटेज यहाँ पर रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनरल्स की, हमारी जो मिट्टी होती है इसमें मिनरल्स उपस्थित होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में खनिज। खनिज पाए जाते हैं किसी भी मिट्टी में 45 से लेकर 50%, 45 से लेके आपके पास जो 50% होता है ये मृदा में खनिज पाए जाते हैं। और खनिज कहाँ से आता है सर, ये आता है रॉक। आप कहेंगे कि जो रॉक है, इस रॉक सिस्टम से जो भी मटेरियल आपके पास मिलते हैं वह आपका खनिज कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है।
और यह किसी भी मिट्टी में 45 से लेकर 50% तक प्रेजेंट होता है। दूसरे नंबर पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंपोर्टेंट कंपोनेंट की, वो आपके पास होता है वॉटर। वॉटर, वॉटर को आप लोग कहते हैं पानी, यह 25% होता है। तीसरे नंबर पर आपके पास आता है एयर, जिसको आप लोग वायु कहते हैं, यह भी हमारी 25% होती है। और चौथे नंबर पर आपके पास आता है ह्यूमस, जिसे आप लोग कहते हैं जैव पदार्थ, जिसको आप लोग कहते हैं जैविक पदार्थ। और ह्यूमस आपके पास पाया जाता है 5% के आसपास, 5% के आसपास। तो किसी सॉइल का कंपोजिशन आपसे कोई पूछेगा कि मिट्टी का संगठन बताइए, तो मिट्टी किस किस से मिलकर बनी होती है, सर हम बताएंगे, हमारी जो मिट्टी है ये मेजर चार इसके कंपोनेंट हैं, मिनरल्स, खनिज, वाटर, पानी, एयर, वायु, और ह्यूमस मतलब जैविक पदार्थ। ये जो जैविक पदार्थ है ना सर, ये जैविक पदार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सर आप इसको? इसको इंपॉर्टेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो जैविक पदार्थ है ना, इससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल उत्पादकता, जिसको हम लोग कहते हैं सॉइल फर्टिलिटी, ये प्रभावित होती है। कोई मिट्टी कितनी ज़्यादा उत्पादक है ये डिपेंड करता है ह्यूमस के ऊपर। अगर ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा है, अगर ह्यूमस आपके पास ज़्यादा है, तो इसकी प्रोडक्टिव, इसकी जो फर्टिलिटी पावर है ये ज़्यादा होगी। अगर ह्यूमस की मात्रा आपके पास लेस है, तो इसके जो फर्टिलिटी पावर है ये भी आपको लेस देखने को मिलेगी, या फर्टिलिटी पावर आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कभी कभार प्रीलिम्स में एक सवाल आ जाता है, एक सवाल आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी जो सॉइल है इसका कंपोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आप देख लीजिएगा चारों हैं। कभी कभी इनके परसेंटेज आ जाता है कि मिनरल्स कितने परसेंट पाए जाते हैं, मिनरल्स कितने परसेंट पाए जाते हैं, आप बता देंगे 45 to 50%। वाटर कितना परसेंट पाया जाता है, 25%। एयर कितने परसेंट पाई जाती है, 25। और ह्यूमस 5%। मतलब क्या है सर, समझिए, जैसे जो 1 सेंटीमीटर लेयर है, इस 1 सेंटीमीटर लेयर में लगभग 50% जो कंपोनेंट रहेंगे ना बेटा, ये रॉक के द्वारा रहेंगे, रॉक ने जो दिया है वो रहेगा। उसके बाद इसमें जो 25% है, 25% यहाँ पर वाटर, और वाटर के साथ में आपका एयर रहता है, और रिमेनिंग जो 5% है वो आपके पास ह्यूमस रहता है। किसी मिट्टी में रहता है, किसी में आपके पास नहीं रहता है। जिसमें नहीं रहता वहाँ पर जो रॉक मटेरियल है इसकी मात्रा ज़्यादा देखने को मिल जाती है। ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप इनको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा। मृदा विज्ञान को आप लोग पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि पेडोलॉजी आपके पास क्या है, पेडोलॉजी आपके पास एक ब्रांच है साइंस की, एक ब्रांच है आपके पास साइंस की, जहां पर हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट सॉइल। मृदा विज्ञान आप इसको यहाँ पर कहते हैं, हिंदी में लिखा रहता है सर मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान क्या है सर, साइंस की वह ब्रांच है जिसके, साइंस नहीं बेटा, पेडोलॉजी आपके पास भूगोल की है ना, आप लोग कह सकते हैं। हमारी जो जियोग्राफी है, इस जियोग्राफी की वह शाखा है, जियोग्राफी की शाखा है, या जियोग्राफी की आपके पास ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग सॉइल का अध्ययन करते हैं, स्टडी अबाउट सॉइल करते हैं, मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है पेडोलॉजी के अंतर्गत, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग काम की चीजों की तरफ चलते हैं, जहां से सवाल आपके पास बनते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो और भी आप लोग देख सकते हैं, बट हमको प्रीलिम्स को एस करना है। बच्चा पार्टी देखो, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि पेडोलॉजी आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन ये भी आया है कि मिट्टी किसको कहते हैं, मिट्टी कहाँ पाई जाती है। हर एक सवाल बना है, हर एक सवाल बना है प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस जो पेपर हुए हैं उनमें। तो बारीकी के साथ अगर आप स्टडी करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, तो जो आपका वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में आपको मेजर 13 टाइप के सॉइल देखने को मिलते हैं। मुख्यतः 13 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है पूरी दुनिया में। अगर आप लोग इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत के अंतर्गत मेजर आपको 8 प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी इंडिया के अंतर्गत मेजर। और अगर आप लोग एमपी को देखने जाना चाहते हो,
तो एमपी में मेजरली 5 प्रकार की सॉइल पाई जाती है। यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा गया है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में कितने प्रकार की मिट्टी, आप बताएंगे 13 प्रकार की। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, आप लोग बताएंगे 8 प्रकार की। और आपका जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, हम लोग बता देंगे 5 प्रकार की सॉइल आपको देखने को मिलती है। ये 5 टाइप कौन कौन से हैं एमपी के अंतर्गत सॉइल के बारे में सर बता दीजिए। तो अगर आप लोग एमपी की सॉइल को देखना चाहते हैं, 5 प्रकारों को समझना चाहते हैं, तो समझिए यहाँ सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं, एक आपको सॉइल देखने को मिलेगी जिसे आप लोग कहते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हिंदी वाले बच्चे लिखते हैं काली मृदा। हमारे मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, पहले नंबर पर काली मृदा, दूसरे नंबर पर अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग लिखिए एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। थर्ड प्लेस पर आप लोग यहां पर लिख सकते हैं रेड येलो सॉइल या लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। फोर्थ नंबर पर एक बड़ा कंफ्यूजन है हर जगह, यहाँ पाई जाती है बेटा कछारी मृदा, मध्य प्रदेश में पाई जाती है कछारी। और 5वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगी मिक्स्ड सॉइल, जैसे आप लोग कहते हैं मिश्रित मृदा। तो हमारे एमपी में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है सर? 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये 5 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी है? तो पहले नंबर पर ब्लैक सॉइल, दूसरे नंबर पर एलुवियल सॉइल, तीसरे नंबर पर रेड येलो सॉइल, और चौथे नंबर पर आपके यहाँ पर देखने को मिल जाती है मिक्स सॉइल। 5वें नंबर पर आपको देखने को मिलती है कछारी मृदा। ये कुछ मिट्टियां हैं, इन मिट्टियों के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल बेटा आते हैं, यहाँ से काफी सारे सवाल आपके पेपर में पूछे गए। अगर गलती से आपसे कोई भी पूछता है तो आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सर मिट्टी पाई जाती है 5 प्रकार की। अब सर इसमें क्या याद रखें? तो देखो भाई, जो काली मिट्टी है जैसे आप लोग ब्लैक सॉइल कहते हैं, यह पाई जाती है एमपी के 47% भाग पर। 47% जो भाग है, 47% जो पार्ट है, इस पे आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अगर हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मृदा की, तो ये आपको देखने को मिल जाता है 3.5% एरिया पर, 3.5 भाग है इस पे देखने को मिलेगी। रेड येलो सॉइल एमपी के 37% भाग पे देखने को मिल जाती है, 37.5% पर। कछारी की बात करते हैं तो ये लगभग आपको 1 से 2% एरिया पे देखने को मिलेगी। और मिश्रित मृदा की बात करते हैं तो यह लगभग 9% जो पार्ट है, इस 9% पार्ट पे आपको देखने को मिलती है। तो हमारे एमपी में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है सर? हमारे एमपी में पाई जाती है 5 प्रकार की, 5 टाइप सॉइल आपको देखने को मिलती है। इनके बारे में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया है कि 5 मिट्टी कौन कौन सी है। काली मिट्टी 47% एरिया पे पाई जाती है एमपी के, जो कि सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पर रेड येलो सॉइल पाई जाती है 37% एरिया। तीसरे नंबर पर हम लोग कह सकते हैं मिश्रित सॉइल पाई जाती है 9%। फोर्थ प्लेस पर आप लोग कहेंगे कि जलोढ़ मृदा पाई जाती है 3.5%। और 5वें नंबर पर कछारी मिट्टी 1.1 से लेकर 2% तक। यहां से सर सवाल क्या बनेगा? पहला सवाल ये बनेगा कितने प्रकार की मिट्टी, इनके परसेंटेज भी आपसे कोई पूछ सकता है, इनके परसेंटेज भी आपसे कोई पूछ सकता है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए इसके एक डायग्राम बना लेते हैं, इसका एक छाया चित्र बना लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोग इसी बात का इंतजार कर रहे होंगे कि छाया चित्र कब बनेगा, डायग्राम कब बनेगा, क्योंकि बिना डायग्राम के तो हमको मजा आएगा ही नहीं सर। ये आप लोगों का प्यारा सा मध्य प्रदेश है, और जब हम इस प्यारे से मध्य प्रदेश की आपसे चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहले ये वाला जो आपके पास क्षेत्र है ऊपर वाला, यहाँ हमको देखने को मिलता है पूरे में जलोढ़ मृदा। ये आपका जो नॉर्थ वाला एरिया है, इस नॉर्थ वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगी जलोढ़ मिट्टी।
इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, जो आपका उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग को अगर इस तरीके से बना देते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलता है पूरे में रेड येलो सॉइल। यह पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको रेड येलो सॉइल देखने को मिल जाती है। इस पूरी बेल्ट में रेड येलो सॉइल आपको दिखाई देगी। ये जो बेल्ट हमारी है सर, अगर इधर आते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं तो इस पूरी बेल्ट में हमको देखने को मिल जाती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को बनाने के लिए बेटा ब्लैक पेन तो काम करेगा नहीं, इस पेन का एक बार यूज कर लेते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलती है पूरे में ब्लैक सॉइल। ये जो आपको दिखाई दे रही है यह है सारी की सारी आपकी ब्लैक सॉइल है। ये यहाँ आपको ब्लैक सॉइल दिखाई देती है, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये जो एरिया आपके पास बचता है ना सर, इस एरिया की अगर हम लोग आपसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इधर दिखाई देती है पूरे में मिश्रित मिट्टी। ये जो पूरा का पूरा आपके पास क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में आपको दिखाई देती है सर मिश्रित मिट्टी। यहाँ पर दिखाई दे जाएगी पूरा जो बेल्ट आपके पास है, इस बेल्ट में आपको मिश्रित मिट्टी दिखाई दे जाती है इस तरीके से। और यहाँ आपको एक मृदा दिखाई देगी इस वाले क्षेत्र में, जो कि अलग अलग तरीके से पाई जाती है। ये एक अलग सॉइल यहाँ पे बनाती है, और इधर एक और अलग सॉइल बना देते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि जो लाल मिट्टी है वो इस तरीके से पाई जाती है। इस तरीके से मैंने गलत यहाँ पे बना दिया था, ये पाई जाती है लाल मिट्टी। ये पांचों प्रकार आप लोग लिख लीजिए, ये पांचों प्रकार आप लोग लिख लीजिए, बता देता हूँ। दिस इज योर एलुवियल, एलुवियल एलुवियल जलोढ़ मृदा। यह है आपके पास है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, दिस इज योर रेड येलो, रेड येलो। अगर हम लोग बात करते हैं, दिस वन इज योर मिक्स क्रॉप, मिक्स्ड सॉइल, मिश्रित मिट्टी। ये जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये आपके पास है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। और ये जो आपको थोड़ा सा भगवा कलर में दिखाई दे रहा है, ये आपके पास है कछारी मृदा, कछारी मृदा। हिंदी में इनके नाम एक बार लिख देते हैं जल्दी से, ताकि दोनों बच्चों को सुविधा हो जाए। ये आपकी लाल पीली मिट्टी है, ये हमारी लेटेराइट सॉइल है, लेटेराइट। इधर जैसे ही आते हैं ये आपकी काली मिट्टी है, काली मृदा। ये आपकी जलोढ़ मृदा है, कछारी, और हमारी मिश्रित मृदा, ठीक है। अब ये डायग्राम बना लीजिए, यही है बेटा। ये लेटराइट टाइप में नहीं आती, लेकिन इसलिए बता दी है क्योंकि गलती से एक आध क्वेश्चन बन जाता है कि लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप बस एक डायग्राम बनाइए, फिर हम धीरे 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 इनको एक्सप्लेन करेंगे, लगभग सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। ये आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो ब्लैक सॉइल है ये 47% एरिया पर पाई जाती है, यह है आपकी 3.5% एरिया पर पाई जाती है। इधर आते हैं मिश्रित सॉइल, तो ये आपकी 9% एरिया पर है। रेड येलो सॉइल, दिस इज योर 37%। मिक्सड कछारी की बात करते हैं तो 1 से 2% एरिया पर, और लगभग 1 से 2% एरिया पर आपके पास ये भी पाई जाती है। देख लेंगे कैसे आपको कवर करना है। गलती से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, प्लीज देख लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। देखिए आपके लाइक और शेयर बहुत जरूरी है, लाइक और शेयर बहुत जरूरी है, लाइक और शेयर यहाँ पे करते रहिए, जिससे सबको इसका फायदा मिलते चले। मिट्टियाँ तो आपने बहुत पढ़ी होंगी मध्य प्रदेश की, पर इस तरीके से शायद आप लोग पहली बार इन मिट्टियों को पढ़ेंगे कि ब्लैक सॉइल, एलुवियल, मिश्रित, रेड येलो, लेटेराइट, कछारी, ये सारी की सारी मिट्टी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। डायग्राम बनाइए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग क्या करेंगे सर, एक एक सॉइल को यहाँ से पिक करेंगे और इनके बारे में लगभग सारी बातें जानेंगे कि कैसे आपके पास ये बनती है, क्या इनमें आपके पास पाया जाता है, क्या विशेषता है, कौन सी फसल की खेती होगी, किस एरिया में पाई जाती है। लगभग हर एक फैक्ट आपको यहाँ पर बताएंगे जिससे आपके पेपर में जो सवाल बने वो आप लोग कवर कर लें। ठीक है भैया, चलिए। तो सबसे पहले आप उठाते हैं यहाँ पर एलुवियल सॉइल को, ऊपर से ही लेते हैं एलुवियल सॉइल, जिसे आप लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सर कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहला तो आप लोग लिखेंगे नॉर्थ, नॉर्थ एमपी। इसी के साथ में आप लोग लिख सकते हैं कि जो अदर रिवर वैली है, इन अदर रिवर वैली में आपको देखने को मिल जाती है। नॉर्थ एमपी की अगर आपसे कोई बात करता है तो नॉर्थ एमपी के अंतर्गत मुख्यतः अगर हम लोग बात करते हैं तो भिंड जो आपका है, इसी के साथ में हमारा जो मुरैना है, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, मंदसौर, इन जिलों में सामान्यतः आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिल जाती है। जलोढ़ मृदा कितने परसेंट एरिया पर पाई जाती है? तो एरिया आप लोग देखेंगे 3.5%, 10% भाग पर पाई जाती है मध्य प्रदेश के। 3.5% एरिया पर आपको देखने को मिल जाती है एमपी की। तो एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा उत्तर में पाई जाती है, 3.5% पर पाई जाती है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है सर, पीएच वैल्यू वो आपको देखने को मिलती है 7.0। 7.0 का मतलब क्या है? यह आपके पास न्यूट्रल है, दिस इज योर न्यूट्रल, या हम लोग कह सकते हैं उदासीन प्रकृति की होती है। और उदासीन जो प्रकृति होती है ना, तो यह सबसे ज्यादा आपसे कोई पूछेगा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है, सबसे अधिक उपजाऊ मृदा यही होती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल। मोस्ट फर्टाइल सॉइल अगर आपके पास कोई है तो वह हमारी जलोढ़ मृदा है। कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ एमपी में 3.5% भाग पे पाई जा रही है। इसकी पीएच वैल्यू 7.0 है, पीएच वैल्यू 7.0 है, उदासीन प्रकृति की है, सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ह्यूमस है, इस ह्यूमस की आपको अधिकता देखने को मिलती है। ह्यूमस यहाँ पर आपके पास अधिकतम पाया जाता है, सबसे ज्यादा ह्यूमस आपको इसी मिट्टी में देखने को मिलेगा। जीवाश्म आपके पास अधिक पाए जाते हैं। यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके जो एन पी और के नाइट्रोजनी जो उर्वरक होते हैं इनकी आपके पास कमी पाई जाती है, ये इसमें कम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ह्यूमस आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ह्यूमस की अधिकता आपको देखने को मिलेगी हमारी जो एलुवियल सॉइल आपके पास होती है, इस एलुवियल सॉइल में। देखो भाई कितने परसेंट एरिया पर पाई जा रही है, कहाँ पाई जाती है, पीएच वैल्यू क्या है, सबसे अधिक उपजाऊ आपके पास होती है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है, एनपीके की कमी आपको देखने को मिल जाती है, एनपीके की कमी देखने को मिलती है। अगर हम लोग बात करते हैं इसमें कौन कौन सी क्रॉप अच्छी होती है, अगर हम क्रॉप्स की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो लगभग सारी फसलें अच्छी होती हैं सर, लगभग सारी फसलें, लाइक व्हीट जो आपके पास होता है, गेहूं, इसकी खेती अच्छी होती है, राइस जिसे आप लोग कहते हैं धान की खेती अच्छी होती है, व्हीट, गेहूं, राइस के साथ में आप लिख सकते हैं धान, जो आपका चना होता है, चना जिसे आप लोग कहते हैं ग्राम, फिर हम लोग बात करते हैं सरसों, सरसों आपका, मस्टर्ड, इसकी खेती भी अच्छी होती है। आप लोग लिख सकते हैं कि शुगर कैन है ना, शुगर कैन की आप लोग बात करते हैं, गन्ना, इस गन्ना की खेती अच्छी होती है, आलू, आलू के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो इतनी ज़्यादा फसलें आप लोग यहाँ पे कर पाते हैं, ये फसलें काफ़ी अच्छी तरीके से होती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो एमपी में
एमपी में हम इसमें कौन कौन सी फसलें ज्यादा लेते हैं? एमपी में मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड या सरसों की खेती का ही उत्पादन करते हैं सरसों। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर आपका जो बीट है, गेहूं की हम लोग बात करते हैं गेहूं। और तीसरे नंबर पर आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो गन्ना है, इस गन्ना या सुगर कैन की खेती आपके पास की जाती है, सुगर कैन की खेती की जाती है। तो पूछा जाएगा एलुवियल सोइल कहाँ पाई जाती है, पीएच वैल्यू क्या है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है इसमें, सबसे अधिक पाया जाता है ह्यूमस, कम क्या पाया जाता है आप बताएंगे, एनपीके की कमी आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी फसलें होती हैं, गेहूं, धान, ग्राम, मस्टर्ड, चना, आलू। एमपी में सरसों की खेती ज्यादा होती है, सरसों की खेती ज्यादा होती है, क्यों होती है कारण आपको बताएंगे, गेहूं की खेती करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं। एमपी का जो उत्तर वाला एरिया है, नदन आपका जो पार्ट है, इस नदन पार्ट के द्वारा, नदन पार्ट में आपको देखने को मिलती है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है सर, इसका जो फॉर्मेशन है या निर्माण कैसे होता है? तो जब भी हम लोग एलुवियल सॉइल के निर्माण की बात करते हैं तो यह होता है रिवर डिपोजिशन के कारण। जो रिवर डिपोजिशन है या नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं, इसका निर्माण होता है नदी निक्षेप के माध्यम से। नदी के द्वारा जो भी डिपोजिशन लाए जाते हैं उस डिपोजिशन के थ्रू आप इसका यहाँ पर निर्माण करते हैं, रिवर डिपोजिशन के थ्रू आप इसको यहाँ पर बनाते हैं, नदी निक्षेप से इसका निर्माण होता है। अब जो डिपोजिशन आपके पास होते हैं, इन डिपोजिशन के आधार पर आपकी जो एलुवियल सॉइल है, इस एलुवियल सॉइल को आप लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो दो पार्ट आपके पास कौन कौन से हैं? एक आपको देखने को मिलता है ओल्ड एलुवियम, और ओल्ड एलुवियम को आप लोग कहते हैं पुरानी जलोढ़क, और पुरानी जलोढ़क आपके पास जो है यही कहलाती है बांगर मृदा। एक शब्द आपने पढ़ा होगा न्यू एलुवियम, जिसको आप लोग कहते हैं नवीन जलोढ़क, यह आपके पास कहलाती है नवीन जलोढ़क, जिसको आप लोग कहते हैं खादर, आप इसको खादर के नाम से जानते हैं। देखिए, एलुवियल सॉइल बेसिकली रिवर डिपोजिशन के थ्रू बनती है, नदियों के द्वारा जो मलबा लाया जाता है, जो गाद लाई जाती है, उसी से इसका निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार की पाई जाती है, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होती है, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर मतलब बंजर, मतलब ओल्ड एलुवियम, पुरानी जलोढ़क, और खादर मतलब नवीन जलोढ़क, न्यू एलुवियन मतलब आपके पास उपजाऊ मृदा। कैसे याद रखोगे सर, जो ओल्ड एलुवियम है ये बांगर है, बांगर का मतलब क्या है सर, यहाँ जो उत्पादकता है इसकी उत्पादन क्षमता अब कम हो जाता है, लेस हो जाता है, और यह आपके पास अधिक उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ आपके पास होती है। हमारे एमपी में कौन सी पाई जाती है? हमारे एमपी में न्यू एलुवियम पाया जाता है, नवीन जलोढ़क पाया जाता है, क्योंकि नदी घाटियों के पास ही पाई जाती है, कहीं और देखने को मिलेगी नहीं। चंबल के अलावा नर्मदा, बेतवा और ताप्ती नदियों के द्वारा भी एलुवियम मृदा का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो फॉर्मेशन कैसे होता है सर, नदी निक्षेप के द्वारा। एलुवियल सॉइल कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़क, एक आपके पास नवीन जलोढ़क। आप इसको रेहे या कल्लड़ के नाम से भी जानते हैं, कल्लड़ के नाम से, रेहे या कल्लड़ इसी का नाम है, जो कि पश्चिमी भारत जैसे आप लोग कहते हैं पंजाब और हरियाणा में यह देखने को मिल जाता है। रेहे और कल्लड़ भी आप लोग इसी मिट्टी को यहाँ पर कहते हैं, एलुवियल सॉइल को या जलोढ़ मृदा को। क्लियर है भाई? अब देखो, जो आपको बांगर और खादर परेशान करता है ना, इस बांगर और खादर का काम तमाम करते हैं। एक तरफ लिख लीजिए बांगर, बांगर, और एक तरफ लिख लीजिए खादर। ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ भाई, देखो मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, भले आपके लिए ये लेक्चर फ्री है, भले ये लेक्चर फ्री है, मेरा 100% दे रहा हूँ।
आई डोंट नो क्या चाहिए आप लोगों को। देखो एक चीज नहीं मिल रही है और वो है आपके पास पीडीएफ। और बेटा देखो पीडीएफ इसलिए नहीं मिलता है, आपको पता है मैं हर चीज आपके सामने लिख रहा हूं, ऐसा एक भी डेटा नहीं है जो आपको यहाँ के लिख के लाया हूं और उसको रटाया जाता हो, नहीं, हर चीज वर्ड टू वर्ड यही लिखा जाता है। अब जो लिखा जा रहा है उसका पीडीएफ कैसे बना दूं मैं आप लोगों को, स्लाइड कैसे दे दूं, वो एक तकलीफ है। हम लोग यहाँ पर हार्डवर्क कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, अपना एम है इस बार प्रीलिम्स में 500+ बच्चे लेके जाना है। और ये चीज मैंने आपसे एक दिन और बोली थी कि इस प्रकार के टारगेट आपको अब देखने को मिलेंगे, कोई 5,000 बच्चों को एम करेगा, कोई 1,000 बच्चों को एम करेगा, क्योंकि मार्केट में सिर्फ प्लान पहुंचना चाहिए। हमारा एक टारगेट प्लान चलता था अगर आपको याद हो, कुछ बच्चों ने देखा हो, आजकल हर जगह आपको टारगेट प्लान देखने को मिलेगा। जल्दी ही हम लोग उसका एक नया सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं, बेहतरीन एक नया प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत आपकी आसानी करेगा, बहुत आपको सुविधा देगा। क्या चाहिए आप लोगों से, थोड़ा सा सपोर्ट ही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो। कर दीजिए लाइक और शेयर कर दिया करो, बेहतर रिस्पॉन्स आने लगेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, पढ़ाने में अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और अगर इससे बेहतर आपको कोई पढ़ा दे तो बता दीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आपसे कहना बंद कर दूंगा, लाइक और शेयर कर दो। देखो बांगर यह आपके पास हाई लैंड होते हैं, हाई लैंड आपके पास होते हैं, हाई लैंड या यह आपके उच्च भूमि होते हैं, उच्च भूमि मतलब यहाँ कभी कभी प्रीवियस जो आपके पास ईयर्स हुआ करते थे, इन प्रीवियस ईयर्स में रिवर फ्लो हुआ करती थी, लेकिन आजकल इसने रास्ता बदल दिया है। बांगर है तो आपके पास यह ओल्ड एलुवियम के तौर पर जाना जाता है, ओल्ड एलुवियम, और ओल्ड एलुवियम का मतलब होता है पुरानी जलोढ़क, मतलब यहाँ पहले कभी नदी जाया करती थी, पहले कभी निक्षेप लेके जाती थी, अब नहीं जाती है, तो यह आपके पास कहलाने लगी है बांगर। और बांगर का सीधा सा मतलब क्या होता है कि इसका जो उपजाऊपन है, उपजाऊपन या फर्टिलिटी पावर इसकी कम हो गई है, और धीरे 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 यह बंजर जमीन हो जाएगी एक समय के बाद। तो बांगर का मतलब बेटा बंजर होता है, ओल्ड एलुवियम होता है, यहां पहले कभी नदी जाती थी, ये हाई लैंड होते हैं, ये उच्च भूमि होती है। अगर आपसे कोई बात करता है खादर, तो खादर को आप लोग जानते हैं ये लो लैंड होते हैं, लो लैंड। आपसे कोई पूछेगा कि निम्न भूमि कौन सी है, निम्न भूमि कौन सी है, आप बताएंगे खादर है, लो लैंड आपके पास होते हैं। और लो लैंड होते हैं मतलब क्या है कि ये अभी भी जो रिवर का आपके पास कोर्स है, नदी का जो मार्ग है, उस नदी मार्ग में आपके पास अवस्थित हैं, नदी मार्ग में आपके पास अवस्थित हैं। और नदी मार्ग में अगर अवस्थित हैं तो यहाँ पर जो डिपोजिशन है, जो आपके निक्षेप हैं, ये निक्षेप अभी भी आ रहे होंगे, अभी भी आ रहे होंगे, इसीलिए आपके पास ये कहलाता है न्यू एलुवियम, इसीलिए आपके पास ये कहलाता है न्यू एलुवियम, इसीलिए आप इसको कहते हैं नवीन जलोढ़क, या यह आपके फर्टाइल है, क्योंकि नदी दूसरी जगह से पानी को बहा के लाती है, नदी दूसरी जगह से पानी को बहा के लाती है, और जब बहा के लाती है तो नई नई मृदा को लेके आती है, ऊपर वाली जो परत है अपर लेयर को लेके आती है, और अपर लेयर आपको पता है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इसीलिए खादर आपके पास जो है सर, खादर आपके पास उपजाऊ होती है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन आपसे कोई पूछता है कि सर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इनको, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, आपका जो वेस्टर्न भारत है, इस पश्चिमी भारत में आपको देखने को मिलती है बांगर। और जो आपका पूर्वी है, पूर्वी मतलब बेटा पूर्वी भारत मतलब जो गंगा का मैदान है ना, इसके पूर्वी भाग की बात कर रहे हैं, यहाँ आपको देखने को मिलती है खादर। चलिए ये आपकी एक मिट्टी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, जैसे आप लोग एलुवियल सॉइल कहते हैं, क्या पाया जाता है
क्या नहीं पाया जाता, इसका उपनाम क्या है, कौन कौन सी फसलें होती हैं, एमपी के कौन से जिलों में पाई जाती है, किस कारण पाई जाती है, सारी बातें आपके सामने क्लियर है। हर एक फैक्ट आपके सामने यहाँ पर क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। इसकी पीएच वैल्यू 7.0 होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ आपके पास यही है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ आपके पास यही है। हालांकि आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि आपका जो एमपी है, इस एमपी में जो नॉर्थ एमपी है, यहाँ एक तो पाई जाती है एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल पाई जाने के साथ में यहाँ पर चंबल रिवर भी है, जिसके कारण इधर आपको कैनाल भी देखने को मिल जाते हैं, नहर भी देखने को मिल जाते हैं, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। फिर भी फसल उत्पादन उतना कम क्यों होता है, फिर भी फसल उत्पादन इतना कम क्यों होता है, उसके पीछे कारण है सर, फसल उत्पादन कम होने के पीछे कारण है, क्या कारण है समझिए। हमारी जो एलुवियल सॉइल है, ये दो प्रॉब्लम को फेस कर रही है, दो प्रॉब्लम। एक तो आपको देखने को मिलता है सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को आप सब लोग जानते हैं, यह कहलाता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को और हिंदी भाषा में बोलें तो इसको कहता है मृदा का कटाव, कटाव, या आप कहते हैं वहाव, एक स्थान से दूसरे स्थान बह के चली जाना। सॉइल इरोजन ये करती है चंबल नदी, भले एलुवियल सॉइल है लेकिन मिट्टी को वहा के लेके चली जाती है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग सरसों की खेती ज़्यादा करते हैं, सरसों की जो खेती है ये ज़्यादा की जाती है गेहूं और दूसरी फसलों के अलावा। तो कौन सी नदी करती है सर, यही चंबल नदी करती है। चंबल किस टाइप का इरोजन करती है, आप लिखेंगे गली इरोजन करती है, यह गली इरोजन करती है या अवनालिका अपरदन करती है। इसी के कारण जो पूरा नॉर्थ एमपी है ये बेड लैंड में कन्वर्ट होता जा रहा है, बेड लैंड में आपका कन्वर्ट होता जा रहा है, इस बात पे ध्यान रखिए, यहाँ का उपजाऊपन आपका कम होता जा रहा है। दूसरे नंबर पर सर क्या होता है, चंबल रिवर के कारण जो इरिगेशन है, इस इरिगेशन के लिए पानी उपलब्ध है, वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास अवेलेबल है, पानी अधिक उपलब्ध होने के कारण यहाँ एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसको आप लोग कहते हैं जल आक्रांता की समस्या। जल आक्रांता का बेटा इंग्लिश वर्ड आप लोग सर्च कर लेना। होता क्या है कि जब हम लोग खेतों में पानी भर देते हैं, खेतों में पानी भर देते हैं इरिगेशन के टाइम पर, तो वो काफ़ी लंबे समय तक 7 to 8 days तक रहता है। अब खेत कम है, पानी ज़्यादा है, भर देते हैं, किसान बड़ा भोला है, उसको लगता है कि हम उत्पादन ज़्यादा ले लेंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक पानी भरे होने के कारण फसल गल जाती है, उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उत्पादन कम होता है। ये काफ़ी सारे कारण हैं इधर आपके पास उत्पादन कम होने के पीछे। तो हमने जो आपका एलुवियल सॉइल है या जलोढ़ मृदा है, इसकी लगभग सारी बातें आपके यहाँ पर बता दी हैं। दूसरे नंबर पर चलते हैं सर, सेकंड सॉइल की तरफ चलते हैं एमपी में। तो सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल, काली मृदा, काफी इंपॉर्टेंट है सर एमपी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर, कारण समझिए, एमपी का जो 47% भाग है, 47% भाग पर आपको देखने को मिलती है, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलती है, तो मालवा पठार, मालवा का पठार पूरा, इसी के साथ में जो नर्मदा रिफ्ट वैली है, यहाँ आपका जो सतपुड़ा रेंज है, इस सतपुड़ा रेंज में ये तीन जो पार्ट हैं, इन तीन पार्टों में मोस्टली पाई जाती है, और दूसरी जगह भी आपको देखने को मिल जाता है। जो मालवा प्लेट्यू रीजन है, इस मालवा प्लेट्यू में आपकी नर्मदा वंश घाटी में और जो सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगी ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को आप लोग बेसिकली कह सकते हैं रेगुर जो मृदा है, इस रेगुर मृदा के तौर पर भी जानते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि रेगुर मृदा कौन सी होती है, या आपसे कोई पूछता है कॉटन सॉइल
किसको कहते हैं? तो कॉटन सॉइल भी आप लोग इसी को कहते हैं, रेगुर सॉइल भी आप इसी को कहते हैं, रेगुर, और कॉटन सॉइल भी आप इसी को कहते हैं। कॉटन सॉइल का मतलब क्या है सर? कपासी मृदा। कपासी मृदा किसको कहते हैं? काली मिट्टी को ही कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो आपसे कोई पूछ सकता है, आपसे कोई पूछ सकता है कि कितने परसेंट एरिया पर? 47% एरिया पर पाई जाती है, देख लीजिए, 47% एरिया पर पाई जाती है। रेगुर सॉइल कहलाती है, काली मिट्टी कहलाती है, कपासी मृदा कहलाती है, 47% भाग पे पाई जाती है। मालवा, नर्मदा, रिफ्ट वैली, सतपुड़ा, इन क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने को मिलती है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्मेशन या निर्माण सर कैसे होता है? तो काली मिट्टी के निर्माण की बात करोगे तो आपको देखने को मिलता है सर, यहाँ बेसिकली जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, इस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण, ज्वालामुखी उद्गार के कारण जो लावा बाहर आया, इस लावा से इसका निर्माण हुआ था। तो दक्कन ट्रैप की जो चट्टाने हैं, आपसे कोई पूछेगा काली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, तो जहाँ भी आपके पास दक्कन ट्रैप पाया जाता है, जहाँ भी आपकी दक्कन ट्रैप की चट्टाने होंगी, वहाँ आपको काली मिट्टी देखने को मिल जाती है। वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू जो लावा निकलता है, इस लावा से इसका निर्माण होता है। जहाँ भी आपको दक्कन ट्रैप की चट्टाने दिखाई देखने को मिलेंगी, वहाँ आपके पास ये पाई जाती है। अगर हम लोग बात करें इसमें जो आयरन होता है, आयरन या आप लोग कहते हैं लोहा, ये लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है, लोहा की मात्रा आपके पास अधिकतम होती है। और लोहा के साथ में जो चूना होता है, चूना जिसे आप लोग कहते हैं लाइम स्टोन, यह भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, अधिकतम होती है। और लोहा जो है, इस लोहे की अधिकता के कारण काली मिट्टी जो है, इसका जो कालापन है, या आपसे कोई पूछेगा कि काला रंग किसकी अधिकता के कारण होता है, आप बताएंगे ब्लैक सॉइल जो है कि आयरन की उपस्थिति के कारण, लोहे की उपस्थिति के कारण इसका रंग आपको काला दिखाई देता है, चूने की अधिकता पाई जाती है। इसमें भी आपको NPK, इस NPK की आपको कमी दिखाई देती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की हम लोग बात करते हैं, कमी आपको दिखाई देगी। कितने परसेंट एरिया पर पाई जाती है? रेगुर इसका नाम है, कॉटन सोयल भी इसी को कहते हैं, कपासी मृदा भी आप इसी को कहते हैं, मालवा, नर्मदा, रिफ्ट वैली, सतपुड़ा यहाँ पाई जाती है, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बनी है, वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू बनी है, जैसे आप लोग कहते हैं लावा से इसका निर्माण हुआ है। काला रंग क्यों होता है सर? क्योंकि आयरन की अधिकता पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की कमी है सर, इसमें जो ह्यूमस है, ये ह्यूमस आपके पास कम पाया जाता है, क्योंकि जो बॉल लावा है उससे इसका निर्माण हुआ है, इसकी आपको कमी देखने को मिलती है। कुछ बातें और याद रखिए, इसकी जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू ये आपको देखने को मिलती है 7.5 से लेके 8.5 तक, 7.5 से लेके 8.5 तक देखने को मिलती है। इसी के साथ में अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछता है इसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7.5 से लेके 8.5 तक आपको देखने को मिलती है। जल धारण या इंग्लिश में इसको कहते हैं वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है, यह कैपेसिटी भी मैक्सिमम इसी में होती है, मैक्सिमम इसी में होती है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जल धारण यही कर सकती है। और ऑटो प्लाउ या आप लोग कहते हैं कि स्वतः ही किसकी जुताई हो जाती है, स्वतः इसी की आपके पास जुताई हो जाती है, जब वर्षा होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, और इसके बाद जब सूखता है, गर्मी पड़ती है, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए बार बार इसकी जुताई करनी पड़ती है, नहीं तो उसकी पूरी नमी बाहर चली जाएगी। तो कैपिलरी किस सॉइल में ज़्यादा पाई जाती है? ब्लैक सॉइल में पाई जाती है, काली मिट्टी में, ठीक है भैया, 47% भाग में पाई जाती है, 47%। मालवा का पठार
नर्मदा रिफ्ट वैली सतपुड़ा, पीएच वैल्यू जल धारण करने की क्षमता है, ऑटो प्लाउ स्वतः जुताई हो जाती है, काला रंग किसके कारण है, किसकी अधिकता पाई जाती है, कमी क्या पाई जाती है, ये लगभग सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं, सब कुछ आपने यहाँ पर देख लिया है। आगे समझते हैं काली मिट्टी की और बातें। देखिए क्रॉप क्रॉप, तो देखो भाई अगर हम एमपी के कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो एमपी में तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले नंबर पर आप लोग लिख लीजिए कॉटन। कॉटन कपास की खेती के लिए फेमस है, इसीलिए इसको कपासी मृदा भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर लिख दीजिए सोयाबीन, इसमें जो सोयाबीन होता है यह सोयाबीन भी काफ़ी अच्छा होता है। एमपी तो पूरे भारत का 62% सोयाबीन का उत्पादन करता है। तीसरे नंबर पर लिख दीजिए व्हीट, जो आपका गेहूँ है, इस गेहूँ का उत्पादन भी करते हैं। चौथे नंबर पर लिख दीजिए धान, धान या जो राइस है, इस राइस की खेती भी यहाँ पर की जाती है। कॉटन की अधिकता के कारण, कॉटन की अधिकता के कारण आप इसको कॉटन सॉइल भी यहाँ पर कहते हैं, काली कपासी मृदा के नाम से भी आपके पास ही जानी जाती है। इतनी सारी फसलों की खेती आपको इसमें दिखाई देगी हमारी काली मिट्टी में। काली मिट्टी की पीएच वैल्यू आपको पता चल गई है, कितने परसेंट एरिया पर पाई जाती है, कितने परसेंट एरिया पर पाई जाती है, क्या उपस्थित है, काला रंग किसके कारण होता है, ये भी हम सबको पता चल गया है कि काला रंग आपके पास जो लोहा है, इस लोहा की अधिकता के कारण पाया जाता है। अगर हम लोग इसको एमपी में देखना चाहते हैं, काली मिट्टी को अगर आप लोग एमपी में देखते हो, एमपी में इसका वर्गीकरण करोगे तो हमारे एमपी में काली मिट्टी के तीन पार्ट दिखाई देते हैं। एक आपको दिखाई देती है सिर्फ साधारण काली, साधारण काली, साधारण काली मिट्टी आपको दिखाई देगी, जिसको आप लोग कहते हैं इंग्लिश में सिंपल ब्लैक। आप इसको कहते हैं इंग्लिश में सिंपल ब्लैक। सिंपल ब्लैक पाई जाती है आपकी 37% एरिया पर, जो 37% एरिया है इस पर पाई जाती है। दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलती है छिछली काली, दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलती है छिछली काली, और छिछली काली आपके पास जो मिट्टी है आप इसको कहते हैं सैलो, सैलो ब्लैक, सैलो ब्लैक, यह आपको देखने को मिलेगी लगभग लगभग 7% जो एरिया है इस पे। और थर्ड नंबर पर आपको देखने को मिलती है गहरी काली, गहरी काली, या आप इसको कहते हैं डार्क ब्लैक, डार्क ब्लैक, ये पाई जाती है 3% एरिया पर। ये सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि जो 47% है, इस 47% का क्लासिफिकेशन कुछ कीजिए इस तरीके से, आपको देखने को मिलती है 37%, 7% और 3%, 37%, 3%, ठीक है। ये चीजें आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि कितने परसेंट एरिया पर क्या पाया जाता है, साधारण खाली, छिछली काली, ठीक है, और गहरी काली। अब इसका देखो आपसे एक मैप बनाने का मन तो कर रहा होगा सर, बिल्कुल कर रहा होगा। देखिए अगर हम लोग ब्लैक सॉइल की बच्चा पार्टी सेशन को लाइक और शेयर करते चलो, मेरा मोटिवेशन तो यही है, दूसरा कोई मोटिवेशन ही नहीं है। देखो साधारण काली, सबसे ज्यादा पाई जाती है 37%, साधारण मतलब सिंपल ब्लैक, सिंपल ब्लैक सर पाई जाती है 37%। कहाँ पाई जाएगी सर, पूरा जो आपका मालवा प्लेटू है, इस मालवा के पठार का जो मध्य भाग है, इस मालवा के पठार के मध्य भाग में आपको यही देखने को मिलती है। फिर आपसे कोई पूछेगा सर छिछली काली, छिछली काली जिसे आप लोग कहते हैं सैलो ब्लैक, सैलो ब्लैक मतलब काली है पर आपको ये काली जैसी कम दिखेगी, और यह पाई जाती है सर कितना 7% एरिया, और ये रहेगा
जो आपका नॉर्थ है, नॉर्थ मालवा प्लेट्यू, ऊपरी जो मालवा पठार है, ऊपरी मालवा पठार में जहाँ ये सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू से आपके पास टच होता है, वहाँ आपको देखने को मिलती है। और तीसरे नंबर पर आपको दिखाई देती है गहरी काली। गहरी काली जो मृदा है, डीप ब्लैक आपके पास जो सॉइल है, गहरी काली, जिसे हम लोग यहाँ पर कहते हैं डीप ब्लैक, तो ये आपको देखने को मिलती है सर। एक तो सदन मालवा रीजन, दक्षिणी मालवा, आपका जो नर्मदा घाटी है, इस नर्मदा घाटी में, और इसी के साथ में आपका जो सतपुड़ा है, इस सतपुड़ा में। तो सर सतपुड़ा में क्या ये सतपुड़ा और नर्मदा में साधारण काली नहीं मिलती है क्या सर? बिल्कुल मिलती है। मालवा के पठार के साथ में, मध्य मालवा के पठार के साथ में जो सतपुड़ा है, इस सतपुड़ा का जो पूर्वी भाग है, यहाँ भी देखने को मिलेगी, पूर्वी मतलब सेंट्रल वाला, और आपका जो नर्मदा रिफ्ट वैली है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसके कोई रीजन आपसे कोई पूछ सकता है, जगह आपसे कोई पूछ सकता है, क्षेत्र आपसे कोई पूछ सकता है, परसेंटेज भी कोई आपसे पूछ सकता है, परसेंटेज भी आपसे कोई पूछ सकता है। और आज शायद राइटिंग भी आपको ठीक ठाक होगी, क्योंकि हमने आज पेन चेंज किया है, थोड़ी सी कटकट की आवाज़ आ रही होगी, बट राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस पेन से लिखना पड़ रहा है मजबूरी में। ठीक है भाई, लगभग सारी बातें क्लियर है, लगभग सारी बातें क्लियर है। फसलों के बारे में आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया है। देखिए अब फसलों के बारे में ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ब्लैक सॉइल में देखो जो उज्जैन है, ये उज्जैन, ये कहीं ना कहीं सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर काली मिट्टी आपके होशंगाबाद में पाई जा रही है, होशंगाबाद आपके पास जो है यहाँ पर पाई जा रही है, तो आपको पता है कि यह गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तीसरे नंबर पर हम लोग बात कर रहे हैं जो विदिशा है, इस विदिशा की यहाँ अगर ब्लैक सॉइल है, तो ये आपका जो ग्राम है, इस चना का सबसे बड़ा उत्पादक है। फोर्थ प्लेस पे हम लोग बात करते हैं हमारा जो खंडवा आपको देखने को मिलेगा, खंडवा, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो खंडवा में आपको कॉटन का प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिल जाता है, कॉटन, कपास का उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये काली मिट्टी का ये तो कमाल है, सब कुछ आपके पास यहाँ पर हो रहा है। नरसिंहपुर में आप लोग जाएंगे तो नरसिंहपुर में दो फसलों की खेती आपको देखने को मिल जाती है। एक आपको देखने को मिलेगी हमारा जो शुगर कैन है, इस शुगर कैन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर जो आपकी तुअर है, इस तुअर दाल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। तो काली मिट्टी जहाँ है वहाँ आपको प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग बात करते हैं जो गुना है, इस गुना में आप लोगों को धनिया जो है, धनिया या कोरिएंडर आप इसको कहते हैं, इसकी खेती ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो काली मिट्टी तो भैया वरदान है एमपी के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में पाई जाती है, फिर महाराष्ट्र में, फिर एमपी में। ये लगभग ब्लैक सॉइल की सारी बातें, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इतना डिटेल में शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको परेशानी भी हो रही होगी। परेशान मत होइए, एक एक शब्द को सीखने पे फोकस कीजिए, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं थर्ड नंबर पर। रेड येलो सॉइल, ठीक है, रेड येलो सॉइल, ये आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, दो फैक्टों पर फोकस कीजिए, दो फैक्ट जो बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो कितने परसेंट पर, 37% जो भाग है, इस 37% भाग पर कहाँ पर, तो तीन क्षेत्र। एक तो संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखिए कि हमारा जो बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के साथ में आप लोग लिखिए जो पूरा हमारा बघेलखंड है, इस बघेलखंड में आप यहाँ पर लिखिए जो रीवा पन्ना का प्लेट्यू है, इस रीवा पन्ना का पठार, और आप यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारा ईस्टर्न, ईस्टर्न सतपुड़ा रीजन है, मतलब जो मेकल रेंज है, इस मेकल रेंज में भी आपको रेड येलो सॉइल दिखाई देती है। 37% एरिया, 37% भाग पर आपके पास पाई जाती है। ये मेन क्षेत्र है, ये मेन रीजन है इसका। अगर हम लोग बात करें कि यह रेड किसके कारण होती है, रेड, तो आप लोग लिखते हैं इसकी रेड होने के पीछे कारण है Fe2O3,
Fe2O3 क्या होता है सर? ये होता है फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड आप सबको पता है ये होता है रेड कलर का, इसीलिए ये आपके पास लाल होती है। आपसे कोई पूछेगा ये येलो क्यों होती है येलो, तो आप लोग लिखेंगे कि जब इसमें जब जब आपके पास लाल मृदा होगी और इस लाल मृदा में पानी मिलता है, इसको वाटर आपके पास मिलता है वाटर, जिसके कारण इसमें होता है निश्चालन, जिसके कारण इसमें होता है निश्चालन, और निश्चालन के कारण लीचिंग आप इसको कहते हैं, इसका रंग आपके पास येलो हो जाता है। कारण आपसे कोई दो ही पूछता है कि रेड क्यों होता है Fe2O3 के कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण, और येलो क्यों होता है, क्योंकि सर इसमें पानी मिल जाता है, पानी मिला दिया जाता है, इसीलिए येलो कलर की आपके पास हो जाती है। जब जब लाल मिट्टी में पानी मिलेगा ये आपको येलोइश दिखाई देगी, आपको ये पीले कलर की यहाँ पर दिखाई देने लगती है। अगर हम लोग इसकी पीएच वैल्यू की बात करते हैं, पीएच वैल्यू तो ये आपको 5.5 से लेकर 8.5 तक देखने को मिलती है। अम्लीय से क्षारीयता आपको ये बताती है, अम्लीयता से क्षारीय मतलब अम्लीय और क्षारीय है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं सर, आप इसमें जो उर्वरक होते हैं, इन उर्वरकों का उपयोग करके इसको उपयोगी बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर खेती करना। कौन कौन सी फसलें होती हैं सर, कौन कौन सी क्रॉप की खेती आप इसमें कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर बता देंगे कि जो धान है, इस धान की खेती काफी अच्छी होती है, धान राइस, राइस की खेती के लिए उपयुक्त होता है। दूसरे नंबर पर हम लोग कहते हैं जो मोटे अनाज हैं, इन मोटे अनाज की खेती हम लोग काफी अच्छी कर लेते हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं, एक आता है बाजरा, एक आती है मक्का, ठीक है मक्का, और एक आता है आपका ज्वार। इनकी हम यहाँ पर खेती अच्छी कर लेते हैं, बाजरा मक्का ज्वार, धान की खेती यहाँ पर की जाती है धान की। तो उर्वरकों का उपयोग करके आप इसको यहाँ पर उपयोगी बना सकते हैं, धान मोटे अनाज बाजरा मक्का इसकी खेती की जाती है। रेड येलो बेटा 37% पर पाई जाती है बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, ईस्ट मेकल, पूर्वी जो मेकल श्रेणी है, मतलब सतपुड़ा का जो पूर्वी हिस्सा है, मंडला बालाघाट डिंडोरी, इस एरिया में आपको रेड येलो सॉइल देखने को मिलती है। लाल रंग किसके कारण होता है सर? फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और येलो कब होता है? जब इसमें वाटर मिक्स होता है, वाटर हाइड्रेशन की हम लोग बात करते हैं, मुझे नाम नहीं आ रहा पूरा, उससे ये आपकी येलो दिखाई देने लगती है। रेड होती है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ओनली आयरन होता, ओनली लोहा होता तो काली होती, जो कि किसमें पाया जाता है, जो कि पाया जाता है ब्लैक सॉइल में। यहाँ Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, इसके कारण ये आपकी रेड दिखाई देती है, और इसमें पानी मिक्स होता है तो ये बन जाती है आपकी सर, पानी मिक्स होने के बाद बन जाती है आपकी येलो। कौन कौन सी फसलों की खेती कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इसकी पीएच वैल्यू क्या है आप देख लीजिए। देखो इस मिट्टा नहीं, इस मिट्टी को हम लोग अनुपजाऊ मानते हैं, लेकिन ये अनुपजाऊ नहीं है। अगर आप इसमें उर्वरकों का बेहतर प्रयोग करें, उर्वरकों का हम लोग प्रयोग करें, तो इसको यहाँ पर उपजाऊ बनाया जा सकता है, इसकी फर्टिलिटी पावर को बढ़ाया जा सकता है। अगर फर्टाइल जो आपके पास कहते हैं जो फर्टिलाइजर्स यूज करें तो, और यह मिट्टी सबसे कम पानी को कौन धारण करता है, आपसे कोई पूछता है सबसे कम जल धारण करने की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो सबसे कम जल धारण करने की क्षमता इसी मिट्टी में पाई जाती है, मिनिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसी मिट्टी में आपको देखने को मिलती है। तो रेड येलो सॉइल के बारे में लगभग सारी बातें जो आपके पेपर से संबंधित है बता दी है, मंडला बालाघाट डिंडौरी है ना, रीवा शहडोल उमरिया सतना छतरपुर, इन जिलों में आपको यही सॉइल देखने को मिलती है, रेड येलो सॉइल आपको दिखाई दे जाती है। अब देखो तीन टाइप आपके पास और बचे हुए हैं, एक आपने नाम सुना है कछारी, कछारी कछारी सॉइल कहाँ मिलती है सर? तो यह बेसिकली पाई जाती है नॉर्थ एमपी में, और इस नॉर्थ एमपी के भी कुछ स्पेसिफिक जिले हैं लाइक मुरैना,
इसी के साथ में भिंड और ग्वालियर, बस इन 3 जिलों में आपको देखने को मिलती है। ये कैसी होती है? जब देखो एलुवियल सॉइल होती है ना, इस एलुवियल सॉइल में अगर वाटर प्लस सैंड मतलब जल और रेत मिल जाती है तो ये कछारी हो जाती है। तो बेसिकली जो रिवर का घाट वाला एरिया होता है, इस घाट वाले क्षेत्र में यही मिट्टी पाई जाती है हमारे नॉर्थ एमपी में, कछारी मिट्टी। तो ये जिले आपसे कोई पूछेगा आप बता दीजिएगा। एक आपने देखा होगा लेटे राइट सॉइल। लेटे राइट सॉइल आपके पास कहाँ पाई जाती है? तो जो दक्षिणी एमपी है, इस दक्षिणी एमपी में, दक्षिणी भाग में पाई जाती है, सदर्न एमपी में मोस्टली पाई जाती है। बैतूल प्लस छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा प्लस बालाघाट, इनमें आपको देखने को मिलती है आपकी लेटराइट सॉइल। कब होता है? जब रेड येलो सॉइल में, जब आपके पास रेड येलो सॉइल में अगर वाटर मिक्स हो जाता है, अगर वाटर मिक्स हो जाता है और इसकी लीचिंग होती है, इसकी लीचिंग होती है, जल का निश्चालन होता है, जल का निश्चालन होता है, तो ऊपर वाला पदार्थ नीचे आ जाता है, नीचे वाला पदार्थ ऊपर चला जाता है। तो इसी को आप लोग कहते हैं लेटराइट सॉइल बन जाती है। और तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिलती है मिक्स्ड सॉइल। तो मिश्रित मिट्टी तो बेटा आपको हर जगह देखने को मिल जाती है, मिश्रित जो मृदा है ये तो एमपी के हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें सभी प्रकार की मिट्टी आती है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। मिट्टी वाला जो पोर्शन है ये कुछ मात्रा में आपको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। आप लोगों को जाने से पहले 2 मिनट यहाँ पे वेट करिए, अभी आपसे चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद आपके लिए बहुत काम की खबर है, आप इसको एक बार देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप इस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। काम की खबर क्या है जरा इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है? देखो भाई, अभी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी चल रही है सारे बच्चों को। अगर आपने 2019 का मेंस क्वालिफाई किया है और आप लोग इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं, तो अनएकेडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री मॉक टेस्ट, जो कि हाईली क्वालिफाइड जो आपके पास टीचर्स हैं उनके द्वारा आपके लिए मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन की लिंक आपके पास आपको नीचे दी गई है। उसके अलावा ये देखिए कॉम्बैट, 23 जनवरी को कॉम्बैट है, सुबह 10 बजे 23 जनवरी को आप इसका हिस्सा लें। यहाँ पर सैमसंग का फ़ोन है, JBL हेडफोन है, गूगल मिनी है, अमेजोन बाउचर है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको कोड अप्लाई करना है गौरव लाइव। इस कॉम्बैट का हिस्सा बनने के लिए आपको गौरव लाइव कोड का अप्लाई करना है, जिससे आपको ये आपका जो कॉम्बैट है ये ओपन हो जाएगा 23 जनवरी को सुबह 10 बजे। यहाँ आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 60 क्वेश्चन के थ्रू आप लोग आ सकते हैं अनअकैडमी जो है, इस अनअकैडमी पर, और इस कॉम्बैट का हिस्सा यहाँ पर बन सकते हैं। अब देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, काफ़ी सारी बातें आपके यहाँ पर ध्यान रखनी है। हम लोग देखिए एमपी के बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और एमपी जीके की अपनी जो क्लास होती है बेटा डेली 10 PM पर होती है। आज हमने पूरे सॉइल को यहाँ पर आपको पढ़ा दिया है, जल्दी ही और नए लेक्चर भी आपको लेकर आएंगे। कल हमारा एमपी करंट अफेयर्स का मैराथन है, आप सबको पता है, तो 10 बजे टाइमिंग है, हो सकता है 11 बजे कर देंगे अपन उसको, क्योंकि 10 बजे थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो कल लगातार आप लोग एमपी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। पर ये भी तो सोचिए ना, हमने इस मिशन की शुरुआत जो एमपी जीके की क्लासेस हैं, या मैं आपसे बात करूं जो पीटी 2021 की क्लासेस हैं, ये आप सबके लिए स्टार्ट की गई हैं, नॉट ओनली फॉर मी, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए।
आप लोगों का रेगुलर रहना बनता है, रेगुलर रहिए सबसे मेन चीज। दूसरा, आप अपने नोट्स नहीं बना रहे हैं, हर एक बच्चा पीडीएफ के लिए परेशान है। जब मेरे जैसा हिंदी मीडियम का एक बच्चा जो प्रॉपर हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है, वह आपको ऑलमोस्ट 90%, एक भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहा होगा विदाउट पीपीटी, बाइलिंगुअल विदाउट पीपीटी ऑन बोर्ड। बहुत टफ टास्क है बेटा, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने साथ छोड़ दिया है, अग्री, कोई बात नहीं, आप लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि इन लेक्चर्स को हम लोग बहुत आगे लेके जाएं। क्योंकि पता नहीं क्या तकलीफ है, मैं लिखता तो मोस्टली इंग्लिश में हूँ बट बोलता तो हिंदी में हूँ, सारी बातें हिंदी में एक्सप्लेन की जाती हैं, अपनी भाषा भी हिंदी है, उसके बाद भी अपना हिंदी वाला बेल्ट रूठा हुआ है। क्योंकि वो इसलिए रूठा हुआ है, वो चाहता है कि ये जो एम पी जी के है इसको भी मैं इस तरीके से लिखूँ, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। तो देखो दोस्त, ऐसा है, आप लोग स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीएससी की तैयारी के लिए थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप लोग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं बन रहे, ऑफिसर बन रहे हो, ऑफिसर। और इसके लिए पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेंटालिटी। हम तो मेंटालिटी तो अब क्या ही बताऊं किसकी लेके चल रहे हैं। पढ़ाने वाली क्लासेस खराब होती हैं, टाइम पास करने वाली क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ ऐसे ऐसे नए नए अजूबे आपको पता चलते चले जाएं तो वो बेटा पीएससी की तैयारी नहीं है। पीएससी इज ऑल अबाउट बोर्ड। अगर आपको ऐसा लगता है सर आप तो बत्ती देते हैं, आप तो बत्ती देते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, जिन बच्चों ने मेंस 2019 दिया है 2019, आप उनसे पूछिए प्रॉब्लम कहाँ पर हुई है, कमी कहाँ पे हुई है, तो वो आप लोग बता देंगे कि हम लोग पूरे टाइम डिपेंड हुआ करते थे बुक पर। बुक से बचे तो हम लोग चले गए पीडीएफ के पास, इन दो से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। हम लोगों ने नोट्स बनाने को समझा टाइम खराब होना, अरे इसमें तो टाइम खराब होता है। हमने रिवीजन को समझा टाइम खराब होना कि रिवीजन करने में तो टाइम खराब होता है। जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है इसको भी समझा टाइम खराब होना। हमने सिर्फ सिलेबस को कवर किया, एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल टीचर से बार बार पढ़ते रहे, और रिजल्ट क्या आया सर? रिजल्ट आया नॉट क्वालिफाइड। क्यों सर? क्योंकि भैया आपको कितना आता है इससे फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप लोग पढ़ते रहते हो ना, आप कितना लिख के आते हो इससे फर्क पड़ता है। सेम कहानी प्रीलिम्स की है, आपने कितनी चीजें पढ़ी हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी चीजों को आपने आसानी से समझा है, कितने आपके डाउट यहाँ पर क्लियर हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल यहाँ पर पूछता हूँ कि जो सॉइल शब्द है यह किससे आया है, आप बता देंगे सर इसकी उत्पत्ति हुई है एक लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड कौन सा है? सोलम। देखो यहां से तीन सवाल है, पहला क्या है कि सोइल किससे बना, आप बता देंगे सोलम से। सोलम कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सर फ्लोर, फ्लोर मतलब ऊपरी सतह, ये भी पता चल गया। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि जब भी हम लोग पेडोलॉजी को पढ़ते हैं तो पेडोलॉजी का मीनिंग होता है मृदा विज्ञान, मतलब इसके अंतर्गत हम लोग जो मिट्टी है इस मिट्टी के बारे में आसानी से पढ़ते हैं, मृदा विज्ञान। अब आपसे कोई पूछेगा कि एमपी में ब्लैक सॉइल कितनी, आपको सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर है, आप पढ़ तो इतने समय से रहे हैं सर। ब्लैक सॉइल 47%, इसका कोई वर्गीकरण करेगा आप बता देंगे कि सर 37, 7 और 3। आप पूछ लीजिए, पूछ लीजिए आपके 90% बच्चों से, अगर ब्लैक सॉइल का क्लासिफिकेशन आपके सामने कर दें कि कितनी परसेंट पाई जाती है एमपी में, कर भी देंगे तो कहाँ पाई जाती है नहीं करेंगे, क्योंकि किताबों में दिया ही नहीं गया है। ध्यान रखिए इस चीज को, ब्लैक सॉइल। अब आपको क्लियर है कि सर इसमें ह्यूमस अधिक नहीं होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा थोड़ी सी कम पाई जाती है और एलुवियल में ज्यादा पाई जाती है। कहाँ लेटराइट है, क्यों है, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है, तो आप कहाँ से सवाल बचेगा? अगर आप रिविजन नहीं करते हैं इसके बाद भी किताब उठा के पढ़ते हैं तो आपकी गलती है। खैर ठीक है, मेरा काम आपको गाइड करना है, दो आएंगे चार आएंगे पढ़ाऊंगा तो सही, क्योंकि वादा आपसे किया है बंद नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, खुश रहिए, मस्त रहिए।